Assalamualaikum अंदराज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई, मज़ा आ गया। तुम लोगों को भी देखना चाहिए, वैसे तुम लोग तो देख रहे होंगे लेकिन वीडियो में भी देख लो भाई। तेज़ बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ मैं कि कैसे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कसम से। तो मुझे एक बात याद आ गई, जब बारिश होती है तो पानी आता, समझ रहे हो ना इस बात को। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि वो कितना इन्जॉय करते। फ्यू मोमेंट्स लेटर मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है उस पट्टी के साथ शेयर करना चाहूँगा। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। गाइस, अब इस बंदे को हम कॉल लगाने लगे और बहुत 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 तफरी आने वाली है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, मेरे थोड़ी है। गजब बेइज्जती है। जी जी, आप मिर्जा बात कर रहे हैं? जी मैं बोल चैनल से बात कर रही हूँ। आपका जो आप गए थे ना जैन भाई के शो में, वो ही बात कर रहे हैं ना? ये मुझे जैन भाई ने नंबर दिया है आपका, आप मिर्जा ही बात कर रहे हैं, मिर्जा सदागत बेग? जी जी, तो जैन भाई ने मुझे नंबर दिया था, उन्होंने मना करा था आपको नहीं बताना, वो पता नहीं शायद सरप्राइज देना चाह रहे होंगे। मथीरा को आप जानते हैं? एक्चुअली सर मजाक करने के मूड में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मथीरा? जी 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 बिल्कुल, मैं मथीरा की ही मतलब वर्कर हूँ, काम करती हूँ उनके साथ। तो जैन ने ही आपका नंबर दिया था। कौन काम करता है? मथीरा की वर्कर हूँ मैं, काम करती हूँ उनके साथ। अच्छा, वहाँ पर? जी जी जी। अच्छा फिर? तो वो चाह रही थी कि आप हमारे शो में जैसे आए, क्योंकि आप बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी मतलब तरह तरह की जो आवाज़ें निकालते हैं ना, क्योंकि सलमान नुमान भी आना चाह रहे थे, सलमान नुमान आना चाह रहा था और एक लड़की और थी, लेकिन वो अभी आ नहीं सकी, वो हाँ उनके तो कोई फैमिली इश्यूज हैं, इसी वजह से वो आ नहीं सकी। तो वो कह रही थी, फिर वो आपका जिक्र चल रहा था क्योंकि मथीरा जी भी उधर ही बैठी हुई थी, तो जैन भाई ने फिर आपका जिक्र छेड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, मथीरा जी ऐसी बात कर रही थी, यार मेरा शो है तो ना वो आ नहीं सक रही है एक लड़की, तुम कोई बताओ। तो ना जावेद शेख भी थे उधर, तो ना अपना जैन भाई ने फिर बोला कि यार एक बंदा तो है, तुम बोलो तो, लड़की नहीं होगी लेकिन बंदा है। तो अच्छा, तो जैन भाई के आपके पास कॉल आई है, मथीरा की कॉल आई है? कॉल किसी की भी नहीं आई है मेरे पास, वो असल में मैं उनकी वर्कर हूँ तो मैं काम करती हूँ उनके पास, तो उन्होंने ही मुझे कहा था। दरअसल मीटिंग थी हमारी परसों। अच्छा, जी जी, उनकी मथीरा जी के साथ होती है? जी जी, मीटिंग होती है। अच्छा, तो उनका सेट जो लगा है, जहाँ पे कास्टिंग होती है, सेट जो लगा है, कौन से फ्लोर पे? सॉरी, कौन से फ्लोर पे सेट लगा हुआ है मथीरा जी का? जी जी, वो सेकंड फ्लोर पे, अभी जहाँ अभी अपना न्यू उन्होंने सेट लगाया। दरअसल मैं अभी न्यू कास्ट हुई हूँ, मैं न्यू वर्कर हूँ एक तरीके से। नहीं नहीं, आप कह रही है ना मैं उनके साथ होती हूँ, बल्कि तो आप कह रही नहीं नहीं, साथ बात लगाया हुआ है। बात तो सुने आप मेरी, मैं उनके साथ होती हूँ लेकिन उनके ऑफिस में काम नहीं कर रही होती हूँ, उनके ऑफिस में काम नहीं कर रही होती हूँ। फ्लोर बताएं, कौन से फ्लोर पे सेट लगा हुआ है? फ्लोर आई थिंक तीसरे या दूसरे माले पे है, क्योंकि अभी मैं खुद अभी परसों ज्वाइन करा है मैंने, अभी तक मैंने उनका ऑफिस तो नहीं देखा, लेकिन अभी मैं रिसेप्शन पे इन जगहों पे काम कर रही हूँ। अच्छा,
बॉल का तो मुझे गेम शोज का सर गेम शोज का तो मुझे पता है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही है बैक साइड पे, लेकिन अभी तक मैंने मथीरा जी का ऑफिस नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था वो बिजी है, उन्होंने मुझे बोला था कि ना रबिया तुम ना उनसे पूछ लिए ना कि अगर फ्री हो सके, वो आपसे खुद बात करना चाह रही थी, वो अभी बिजी है खाली आपसे, मैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो मैं आपकी बात कराऊंगी बाद में उनसे, अभी वो थोड़ी बिजी है। सर आप तो मजाक कर रहे हैं सर, क्या हो गया आप लोग? अरे मजाक तो आप कर रहे हैं, और तो आपने बना दिया हमारे को मजाक का। सर मैं क्यों मजाक करूंगी आपसे, आपका मेरा कोई मजाक ही नहीं है, अजीब है यार आप। मेरे पास सेफ है। ओह शिट डैम इट। मैं इसकी दूँ यार। नंबर सेव है तुम्हारे पास यार। अबे यार दिमाग में नहीं रहा, दिमाग में नहीं रहा यार। दुनिया का झोल समझते लोड़े, लोगों के चुतिया पोसे लोड़े लग गए। प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकून की नन, उसके लोड़ों के चक्कर में मेरे लोड़े।